मेरे सामने होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, कैसे आप लोग, आए हो अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का वीडियो होने वाली जर्री पे, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव जो कि मुंबई टू बनारस से जाने वाला, जो कि मेरा फ्लाइट का टिकट है 1:20 का। तो मैं अभी घर से जल्दी निकल आया हूँ, क्योंकि ट्रेवलिंग करने टाइम पे बस और रिक्शा मारेंगे तो वो ट्रैफिक रहेगा, और मैं ट्रेन से भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं कम्फर्टेबल नहीं हो पाऊंगी क्योंकि बहुत भीड़ रहेगा ट्रेन में। तो अभी मैं कैब बुक करने वाला हूँ, क्योंकि मैं कैब बुक करके फिर हम लोग निकलेंगे एयरपोर्ट। तो गाइस, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा एयरपोर्ट पे, देखते कैसा एक्सपीरियंस रहता कैसा नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम जर्नी भी रहेगा। तो कैसे रहता हूँ, आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे, आप लोग भी देखना। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहे, थोड़ा भी स्किप करना, चलते फिर। तो अभी मेरा इधर दोस्त है, इधर ओला या उबर बुक कर रहा है, कैब बुक कर रहा है, देखते क्या बुक कर रहा है भाई। ओला या उबर बुक करता हूँ, देखता हूँ किसका प्राइस कैसा है, तो उसके हिसाब से बुक करेंगे। फिर तो भाई से प्राइस देख रहा है, क्योंकि दोनों का डिफरेंट प्राइस रहता ना, इसलिए देख रहा है अच्छा खासा जो मतलब गाड़ी रहे, क्योंकि अभी हम लोग ओला में करेंगे तो वैगनार आ जाता है, तो मेरे लिए सही नहीं रहेगा, तो इसके लिए अच्छा कार देख रहा है। तो आता है गाड़ी 10-15 मिनट में आ जाएगा, 10 मिनट में आ जाएगा, फिर निकलते। तो 10-15 मिनट हम लोग गाड़ी का वेट करते हैं, कैब का, फिर हम लोग निकलते हैं। वीडियो मेरा इधर ओला आ गया, कैब आ गया, मैं बैग रखता हूँ, फिर निकलता हूँ। हम लोग कार में बैठ चुके हैं, इधर भाई है, तो भाई मेरे मेरे को लेके जा रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी कोशिश कर रहे जाने के लिए, लेकिन आगे ट्रैफिक रहेगा भाई, देखता है कैसा ट्रैफिक है, कैसा मतलब नहीं। फिर निकलते हैं हम लोग, अभी हम लोग घर से निकल चुका हूँ, अभी हम लोग रास्ते में निकलते फिर एयरपोर्ट साइड। टर्मिनल टू के लिए एंट्री है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल टू इधर लिखा है, मेंशन किया है, इधर जितने भी कार जा रहे सब एयरपोर्ट की है। तो इधर हम लोग भी अंदर घुस गए, अब देखते हैं। तो आज भाई बोल रहे हैं जैसे हम लोग एंट्री अंदर करते हैं एयरपोर्ट के, तो भाई में भी बोल रहे हैं कि जैसा 60 के प्लस ऊपर हम लोग जाएंगे तो 1000 रुपए चालान कटेगा ना भाई, तो कैसा मतलब 160 के अंडर हम लोग चला सकते स्पीड में। जैसे आप लोग भी आ रहे तो स्पीड में आना मत, वरना चला ऑनलाइन कटने वाला ही है, तो आ रहे तो सोच समझ के थोड़ा आराम से आना, अपनी सेफ्टी, हाँ अपनी सेफ्टी अपने हाथ में। चलते फिर अभी एयरपोर्ट में एंट्री मार लिया, चलते अंदर व्यू दिखा दिया आपको भाई, एयरपोर्ट का मजा ले रहे पूरा गुटका बिटका खा के थूक दे रहे इधर ही, पैसा भर थूकना पड़ रहा है, पैसा भर है ना भाई, पूरा वसूल देगा है। सो गाइस, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट पे एंट्री मार लिए, अंदर हम लोग आ चुके हैं। अब इधर से काफी क्या नाम है आपका, विस्तारा से जाने वाले हैं। हाँ, विस्तारा से जा रहे हैं, एयर इंडिया। अच्छा, लगा क्या इधर? चार नंबर मेरा लगेज हो गया, लगेज रखा ट्रॉली में, हम निकलते सीधा बोर्डिंग के टाइम पे। सो गाइस, सीधा सब लोग एंट्री कर रहे, और इधर आधार कार्ड लेंगे, टिकट लेंगे, चेक करेंगे। ये मेरा ट्रॉली हो गया, इसको भी निकलते हम लोग लेके बेचारे को, बहुत घूम के जाना पड़ रहा है यार। तो गाइस, इधर चेक कर रहे हैं, आइडेंटिफाई लेंगे, जैसा गवर्नमेंट प्रूफ, जैसे मैं आधार कार्ड देने वाला हूँ और टिकट चेक करने वाले, तो फटाफट अभी हम लोग वेरीफाई कर लेते अपना अपना आईडी, फिर हम लोग अंदर एंट्री मारते। तो गाइस, ये मेरा टिकट हो गया, और उधर वो चेकिंग करने के लिए, तो हम लोग चलते चेकिंग करने को, टिकट पर चेकिंग कर लेते। जैसा मेरा फ्लाइट है विस्तारा,
तो बस ये आप देख सकते हो कितना लाइन लगा इधर, सब इधर बैग चेकिंग के लिए लाइन लगाए। इधर मैं भी वेट कर रहा हूँ, चलते आगे धीरे धीरे। तो गाइस मेरा चेकिंग करने के लिए काउंटर नंबर 11 लगा है, तो इधर मैं अपना बैग रख देता हूँ। ये मेरा बोर्डिंग पास हो गया, जैसे डॉक्यूमेंट निकाल लेता हूँ अपना फ्लाइट का टिकट। नो इधर मेरा चेकिंग हो रहा है, सब वेरीफाई हो रहा है, बैग भी इधर वेट है, वेट मेरा 11 केजी है, तो शो करता है। ओके थैंक यू सो मच। सो गाइस मेरा बैग का वेट किए, मेरा बैग कितना 15 केजी मिनिमम था, तो मेरा 11 केजी था, तो 3 किलो ज़्यादा एक्स्ट्रा था क्योंकि मैंने पहले से कम किया था। ये मेरा चेकिंग बैग हो गया, 27 केजी है, और ये बोर्डिंग पास दिए और गेट नंबर 48 लगा है। फिर चलते हैं, देखते हैं 48 कहाँ पर निकलते, फिर इधर से चले, फिर चलो चलो चलो। गाइस पीछे आर्मी सब थे, तो मुझे मालूम कुछ नहीं था आगे का गेट नंबर, तो अभी बोले कि थोड़ा आगे लेफ्ट मारो, आपको उधर ही गेट नंबर 49 है, तो भी हम निकलते हैं, चलते फिर। मेरा आउटफिट कैसा है कमेंट करके बताना थोड़ा नीचे। गाइस अभी लेफ्ट साइड आप देख सकते हो, उधर चेकिंग कर रहा है, मेरा हैंडबैग चेक करेगा, कुछ तो है नहीं है, देखते क्या निकलता है, आवाज़ में जाता कि तो फिर बैग निकालते और देते हो चेक करने के। तो वाइस पर मेटेरियल अपना रख दिया, ब्रेसलेट घड़ी सब कुछ, उसको आगे बेचते देखते तो मेरा जैकेट विकेट निकलवा दिया पूरा, अभी मेरा पीछे जैकेट आ रहा है, अभी पूरा सामान होगा मेरा, उसको डालता हूँ फिर ब्लॉग आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये आ गया मेरा जैकेट, इसको पहनते अभी निकलवा लिए सारे लोग। इसकी माँ का भोला चेहरा यार, खाली टी शर्ट पर भगा दिया मुझे, चलो पहनते इसको भी। बोर्डिंग पास मांग रहे हैं, जो स्कैन होगा फिर हम लोग गेट खुलेगा, फिर हम लोग एंट्री करेंगे अंदर जाने की। डोमेस्टिक है तो हम लोग को डोमेस्टिक में जाने का है, सो अभी क्या करेंगे स्कैन करते फिर गेट खुलता, अभी लाइन है 1-2 कितने चलते कर कर स्कैन कर स्कैन कर। हाँ चलो फिर, ये है डोमेस्टिक, ये है अपना लिफ्ट। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सेना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझ से। सो गाइस आप लोग देख सकते थे चेकिंग मेरा बैग करने के लिए, मेरा जैकेट भी निकाल लिए थे और जितना मेरा मटेरियल था बैग में पूरा निकाले, तो टी शर्ट में मैं था। अभी हम लोग आ गए अंदर, नीचे आ गए, अभी मैम से पीछे पूछा तो सेकेंड सीधा बोल के सेकेंड लेफ्ट बोले, तो हम लोग जाते गेट पे, अब फिर गेट से निकलते देखते आगे कौन सा व्यू रहता है, फिर आप लोगों को पूरा एक्सप्लोर करें, जितना मेरे से वो एक्सप्लोर होगा एयरपोर्ट का पूरा एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को फिर दिखाते हैं। ये हमारा होगा गेट 50-53 मतलब मेरा 48 इसमें आने वाला है, तो लेफ्ट जाके ये वाला पड़ेगा। थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, खाने पीने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव होगा क्योंकि एयरपोर्ट है, महंगा थोड़ा होएगा बाहर से, तो आ रहे हो तो शॉपिंग करिए फिर मजे लीजिए एयरपोर्ट का। सो गाइस आप लोग भी एयरपोर्ट पे आ रहे हो तो 2-3 घंटा पहले आइए, क्योंकि इधर बहुत टाइम लगता है, बहुत बड़ा है यार, तो नीचे ऊपर करना पड़ता है, और इधर चेकिंग बैग में थोड़ा टाइम लगता है, और जल्दी आइए आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि कम समय में आप लोग का सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फिर आप लोग टाइमिंग पे फ्लाइट पकड़ सकते हैं। सो गाइस ये है वो इंडिगो,
और उसके पीछे जो विस्तारा है वो हम लोग का फ्लाइट है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं क्योंकि टाइम इतना हुआ नहीं है। टाइम अभी होके मतलब टाइम हुआ अभी 11:21 हो रहा है। हम लोग का 1:20 को फ्लाइट है। तो अभी इधर आगे इंडिगो लगा है और उसके पीछे हम लोग का विस्तारा लगा है। तो हम लोग वेट करते हैं और इधर वेटिंग में सब लोग बैठे चलते फिर टाइम को वेट करते फिर निकलते थे। वाइस अभी मेरा बहुत टाइम है मेरे को मेरा फ्लाइट मतलब कि टेक ऑफ लेने में, तो इसलिए मैं थोड़ा फ्री का वाईफाई इधर एयरपोर्ट पे फ्री का वाईफाई थोड़ा कनेक्ट कर लूँ थोड़ा। सो गाइस मेरा अभी गेट की तरफ एंट्री हो गया। अभी हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में क्योंकि मेन गेट से हम लोग एंट्री कर दिए। सो टाइम भी हो गया इसलिए गेट ओपन कर दिए। मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे मोहब्बत लुटाऊंगा मैं छेड़ के मन का साज साज फिर गाऊंगा फिर सबके आज। सो गाइस फाइनली टाइम इज ओवर। तो मैं इधर फ्लाइट में बैठ चुका हूँ। ये मेरा विंडो सीट है 28। सो आई बैठ के देखते पूरा नज़ारा कैसा रहता है। फाइनल मेरे को विंडो सीट मिल गया। सो देखते आगे भी दो नंबर में बुले जो की मैं बस में बैठा हूँ उन लोग के तरफ से था एयरपोर्ट वाले की तरफ से। तो अभी बस में बैठा हूँ जिधर ही उतारेगा उधर हम लोग का लगेज मिलेगा। सो सफर करके बहुत अच्छा लगा। सो गाइस मैं फाइनली अभी उतर चुका हूँ जो कि मैं वनर से पहुँच चुका हूँ। ये 3:40 को मेरा लैंडिंग हुआ 3:40 को मैं इधर पहुँचा वनर्स में। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ट्रैवलिंग करके और बहुत काफ़ी अच्छा लगा कि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें ताकि आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता है नए वीडियो बनाने में। ओके सो वीडियो को इधर बंद करते तो ब्लॉग को इधर क्लोज करते। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। टाटा बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।